असुर स्वर्ग को जीतना चाहते हैं, और वो इसलिए जीतना चाहते हैं कि वो स्वर्ग को नरक बनाना चाहते हैं। बलि ने जब देखा कि यहां तो बड़ी सुंदर अप्सराएं हैं, यहां तो बड़ी खूबसूरत पूरा महल बना हुआ है, यहां कामधेनु है, ऐरावत जैसा हाथी है, यहां बड़ा वैभव है, यहां तमाम सुख है, यहां कोई वृद्ध नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती, ये अजय है। तो उसने कहा कि मैंने जीत लेता हूं, मैंने जीत लेता हूं अपने शक्ति बल से, जिससे कि मैं इस स्वर्ग को नरक बना दूं। ये मुझसे ज्यादा सुंदर ढंग से कैसे रह सकते हैं, ये मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, मेरे पास बल है, मैं अब इनके यहां असुरता फैला दूंगा, अब मैं अपनी शक्ति के सामने इनको निकाल के बाहर कर दूंगा। असुरों ने वहां जाके प्लास्टिक के ढेर लगा दिए, वहां की नदियों को दूषित कर दिया, वहां की मृदा में उर्वरक इतने झोंक दिए कि अब वो धरती विष गलने लगी। असुरों ने जाके स्वर्ग पे कब्जा कर लिया, अब वहां की वायु को दूषित कर दिया कि अब कोई सांस लेगा तो उसकी आयु घट जाएगी। अब असुरों का कब्जा हो गया स्वर्ग पर, जहां की धरती कभी स्वर्ण उगलती थी, जहां गौ माता दूध देती थी, जहां शुद्ध संकल्प हुआ करते थे, यजते पुरुषम परम, ईश्वर की चर्चाएं जहां होती थी, आज वहां असुरों ने कब्जा कर लिया, उन्होंने प्रकृति के साथ छेड़खानी कर दी, वहां के सारे वृक्षों को काट के फेंक दिया, बड़ा अव्यवस्थित कर दिया, वहां की उर्वरकता को नष्ट कर दिया, वहां के पोषण को, वहां के वैभव को, वहां के सुख को, वहां की लालिमा को, वहां की ग्रीनरी को, सबको तहस नहस कर दिया। लेकिन देवता अपनी वृत्तियों के कारण अपना घर हार बैठे। देवताओं ने कब स्वर्ग का ध्यान रखा था, वो अप्सराओं के नृत्य में, अपने प्रमाद में कहां अपनी सीमाओं को संरक्षित कर पाए थे, कब वो स्वर्ग का पूरा पूरा ध्यान रख पाए थे। असुरों ने उनका लाभ उठाया। भगवान के पास गए देव भागे हुए, असुरों ने उनकी स्त्रियों को छीन लिया, देव कन्याओं को बंधक बना लिया, यम वरुण कुबेर को नीचे बैठा दिया कि अब धरती पर हमारा शासन चलेगा। वो इंद्र जो बहुत इतराता था कि वहां से देख के धरती पर नियंत्रण था उसका, यहां के जल पर, यहां की वायु पर, अब सारा नियंत्रण मेरा होगा। बलि ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवता भाग गए, देवताओं की वृत्तियों ने उन्हें वहां से भगा दिया। वृत्तियों के गुलाम देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए, प्रमादी हो गए, उन्मादे हो गए, वो कभी ध्यान नहीं रख पाए कि धीरे धीरे ये वायु जो दूषित हो रही है कल ये मेरे प्राण ले लेगी। वो कभी ध्यान नहीं रख पाए कि नदियों का जो मैं नित्य दूषण कर रहा हूं, एक दिन ये नदियां जो हम सभी को प्राण देती हैं, हम सभी को जो उच्चता श्रेष्ठता देती हैं, जो हमारी माएं हैं, जब ये सूख जाएंगी तो हम पानी के लिए तरस जाएंगे। उन्होंने कभी इस बात के लिए ध्यान नहीं दिया कि जो 20 फीट नीचे पानी मिल जाता था, अब 500 फीट नीचे तक पानी चला गया है, और अब कुछ दिन बाद हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। देवता अपनी वृत्ति के गुलाम हो गए, इसका फायदा उठाया, जल नीचे चला गया, स्वर्ग कंगाल हो गया, स्वर्ग में असुरों का शासन हो गया। अब देवता दौड़े ईश्वर को मनाने के लिए। भगवान बोले, ऐसे नहीं होगा, तुम अपने मन की वजह से हारे हो, अपने मन पर नियंत्रण करो, पहले यह देखो कि आखिर यह वायु कैसे दूषित हो गई, कैसे इतने प्लास्टिक के ढेर लग गए, पहले यह देखो कि गंगा कैसे अपवित्र हो गई, पहले मन का मंथन करो, फिर मैं साथ दूंगा। उन्होंने कहा, कैसे होगा मन का मंथन, स्वर्ग पे तो असुरों का कब्जा है। बोले, वासुकी को ले आओ,
एक तरफ उन्हें लगाना, एक तरफ तुम लगाना, मंद्राचल आएगा उसको घुमाना, और उसमें से फिर जब मन का मंथन होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि गंगा कैसे दूषित हो गई, पानी कैसे नीचे चला गया, कैसे तुम्हारा कद घट गया। जो 6 और 7 फुट के मानव होते थे अब 4 फुट के कैसे रह गए, 5 फुट के कैसे रह गए, कैसे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो गई। जब मन का मंथन करोगे तब फिर मैं आऊंगा। तो देवताओं ने समुद्र मंथन किया, मन का मंथन किया। पहले नारायण का चिंतन करना, और जब मेहनत करोगे तब मैं आऊंगा। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले कोई एक चीज वहां से निकली, बड़े प्रसन्नता उल्लास हुआ कि चलो मन का मंथन करने से एक शुरुआत तो हो गई। सबसे पहले कामधेनु आई, और कामधेनु, काम पे विजय प्राप्त किए बिना ये धेनु आपको कुछ देने वाली नहीं है। तो कामधेनु ऋषियों को दे दी कि आप इसका पोषण कर पाओगे, आप इसे पवित्र रख पाओगे, आप इसकी रक्षा कर पाओगे। क्योंकि गाय की रक्षा आप ट्रक और टोलियों से छुड़ा के नहीं कर सकते, गाय की रक्षा आपको अपने हृदय के पोषण से होगी। आप जब उसे पालेंगे तब उसकी रक्षा होगी। आप यदि ट्रकों से उतारेंगे और कटने के लिए फिर से जंगल में, आजकल खबर आती है कि स्कूल में बंद कर दिया, वहां पालना पड़ेगा, वो पालने की चीज है। यदि तो वो पाली गई अपने आप विकसित हो जाएगी, अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगी। उसके गऊ में के दुग्ध में स्वर्ण है, फिर से हमारे रोग नष्ट होने लगेंगे। सबसे पहले मन के मंथन से कामधेनु आई गाय, और वो ऋषियों को दे दी गई कि ये देवता तो वृत्तियों के गुलाम है, हे साधुओं, हे महात्माओं, हे ऋषियों, इसका पोषण आप करना। क्योंकि गऊ मतलब पॉजिटिविटी, हर समय आप गाय की तरफ देखिए, उसकी आंखों में सदैव आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी, नेगेटिविटी नहीं नजर आएगी कभी भी। सदैव ऐसी मासूमियत उसकी आंखों में नजर आएगी, मां जैसी दिखेगी। ये पॉजिटिविटी एक कुंठित हृदय नहीं देख पाएगा, इसके लिए ईश्वर प्रसादा हृदय चाहिए, बड़ा हृदय चाहिए। भवानी आई, तीसरा नेत्र दिया, विष निकला, हलाहल भी तो है। समुद्र मंथन करते करते उसमें से अनेक प्रकार के कठोर वचन निकल गए, अनेक प्रकार की बुराइयां निकल गईं, जो कुंठाएं छुपी थीं, जो कठिनाइयां छुपी थीं, जो मन में पुरानी गांठें बनी रखी थीं कि मुझे तो लोग सम्मान नहीं देते, मेरा तो सब अपमान करते हैं, मुझे तो बड़ा छोटा समझते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये जो कुंठाएं पड़ी थी, जो विष भरा पड़ा था, जो मन को दूषित कर रहा था, जिसकी गर्मी के कारण मन बेचारा विचलित हो रहा था, वो विष उसमें से निकल पड़ा। सब घबराए कि बड़ी मुश्किल से तो मंथन करके विष को निकाला है, अब इसको दोबारा हम नहीं ले सकते। परम दयालु शिव आ गए, बोले जो कोई नहीं ले सकता वो मैं ले लूंगा।